हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। तो यार जयपुर ब्लॉग का एंड हो गया है और आप लोगों ने तो देखी होगी जयपुर ब्लॉग, और किसी ने भी नहीं देखी तो प्लीज जाके देखो। और अभी बद्रीनाथ वाला जो मेरी ट्रिप थी उसको मैंने स्टॉप कर दिया था, वो कंटिन्यू करूँगा। और फिर क्या आता है, कुछ नया आएगा। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। और आज का दिन मैं पूरा ब्लॉग करने वाला हूँ, पूरा शूट करने वाला हूँ। मेरा पहला होगा ऐसा कुछ, तो मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ अभी। देखते हैं कैसा बनता है। और यार देखो, अभी देखो 10:49 हो रहा है, मैं अभी उठा हूँ। रात में देर तक काम करी, रात में देर तक काम किया, 4-5 बजे तक मैं सोया और फिर अभी उठा हूँ। अब मुझे आज जाना है कॉलेज, तो रेडी हो जाता हूँ, फिर मिलता हूँ उसे। सो गाइस, अब रेडी हो गए हम और अब हम निकल रहे हैं कॉलेज के लिए अपने। तो गाइस अभी हम लोग अपने कॉलेज आ चुके हैं और देखो ये है हमारा कॉलेज। मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, और जे हमारी एक दोस्त आई हुई है। से हाय टू माय ब्लॉग। हाय गाइस। ये इसको एडमिट कार्ड लेना था अपना, और मैं आया था अपने जो डिग्री होती है उसके लिए बात करने के लिए। ऐसा नहीं, चलो तो बाय। गाइज अब हम आ गए हैं घर पे, और कॉलेज में गया था अपनी डिग्री के चक्कर में। डिग्री से रिलेटेड कुछ काम था उसको करने के लिए मैं गया था, लेकिन उन्होंने बोला कि डिग्री जो है वो ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑनलाइन अप्लाई कर दो तो डिग्री मिल जाएगी। कॉलेज में एंटर हुए, कॉलेज में जब सर से बात करी मैंने तो सर कहने लगे यार बढ़िया ब्लॉग बना दो। मतलब ऑलरेडी देखा हुआ था मेरा ब्लॉग ना, तो कहने लगे कि अब बताओ आगे कहाँ जा रहे हो, है ना। तो अच्छा लगा यार, ऐसा रिएक्शन मुझे मिला पहली बार। एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी मेरे को कि ऐसा कोई रिएक्शन मिलेगा, लेकिन मिला, अच्छा लगा मुझे। आप लोग तो मेरी वीडियो देख रहे हो तो देखते रहो और लाइक करते रहो, सब कमेंट करते रहो, अच्छा लगता है। मतलब कि कोई अगर अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ और मुझे उस पर अप्रिसिएशन मिल रहा है तो अच्छी है, अच्छा लगता है ना। तो एक मोटिवेशन भी आता है कि हाँ अब कर रहे, अब और भी वीडियोस मैं लाऊंगा तो हाँ लोग हैं देखने के लिए, हाँ तो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आपने वो रिएक्शन दिया। और अभी जैसे जयपुर ब्लॉग है, जयपुर ब्लॉग मैंने दो वीडियोस डाले हैं। पहली वीडियो में तो पहले दिन घूमा वो है, और जो सेकेंड डे घूमा वो है ना। हम लोगों ने एक स्कूटी बुक की थी, वो 22 घंटे के लिए की थी। तो शाम को 5 बजे वो स्कूटी ली, और अगले दिन शाम को 5 बजे वो स्कूटी लौटा दी, तो 24 आवर्स भी नहीं हुए थे ना। तो उस चक्कर में हम लोग को वो स्कूटी पड़ी 450 रुपये की, है ना। और जैसे अगर आप चाहते हो तो ब्लॉग 1 के डिस्क्रिप्शन में जाना, तो आपको उस बाइक रेंटर का नंबर मिल जाएगा। आप अगर जयपुर जाते हो तो उसको फ़ोन कर लो। बाकी खाटू श्याम का टोटल खर्चा हम लोग का 1500 रुपये ही आया था, पर पर्सन 1500 रुपये आया था। और अगर आप
खाटू श्याम भी उसमें ऐड करते हो तो 1500 रुपये और ऐड करके ही चलो, है ना। थोड़ा कम ही लगेगा खाटू श्याम में, क्योंकि वहाँ पे इतना कुछ है नहीं खर्च करने के लिए। तो लेकिन फाल्गुन फाल्गुन मेला था तो हम लोगों का लग गया, अभी थोड़ा खर्चा हो गया। और अब जो वीडियो आने वाली है वो है जो बद्रीनाथ, झांसी टू बद्रीनाथ बाइक से गए थे हम लोग, उसकी अगली वीडियो आने वाली है ना। अभी वो वीडियोस अलीगढ़ तक डल गई है, अलीगढ़ के पास से मतलब झांसी, झांसी से हम लोग पहले ग्वालियर स्टॉप लिया, फिर ग्वालियर से सीधा आगरा स्टॉप लिया, आगरा में हम लोगों ने बेड़े करी, आगरा के बाद हम लोगों ने फिर अलीगढ़ होते हुए मेरठ होते हुए फिर हम लोग ऋषिकेश हरिद्वार पहुंचे, फिर ऋषिकेश पहुंचे, फिर ऋषिकेश में स्टे किया। ऐसा ब्लॉग्स पूरा आने वाला है तो स्टे कनेक्टेड। और जो लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है तो उनको तो मालूम ही है, क्योंकि स्टोरी पे मैं अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है, स्टोरी पे अपडेट करता रहता हूँ। और जो पुराने जो मैं पुराना जो मैंने ट्रेवल किया है वो भी जो इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है उन्हीं को मालूम है, क्योंकि पहले इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम था, अब यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया है ना। तो अगर जैसे यूट्यूब पे तो मैं ब्लॉग, जैसे केदार कांता का ब्लॉग है पूरा, ठीक है, पूरी वीडियोज रखी हुई है, लेकिन उसको डालने का टाइम नहीं मिला क्योंकि पहले जॉब थी मेरी, है ना। तो अभी टाइम है, अब जो केदार कांता है, केदार कांता की वीडियोस भी आएंगी, केदारनाथ की वीडियो आएगी, और कहाँ, हाँ जगन्नाथ पुरी की वीडियो आएगी, और जगन्नाथ पुरी की वीडियो आएगी, और जयपुर की तो आएगी बस। और देखो अभी जो है उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग क्या, अभी उसकी एडिटिंग कर रहा हूँ बद्रीनाथ वाले ब्लॉग की। अभी अपन ने देखो यहाँ तक देख लिया था, ये अलीगढ़ वाली रोड है, अलीगढ़ वाली रोड के आगे अब आएगी मेरठ वाली रोड, तो मेरठ से लेके पूरी वीडियो आपको मिलने वाली है। तो ये है अब आगे की वीडियो आने वाली है। अगर आपको ट्रैवल व्लॉग्स देखना पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, और आगे ऐसी भी वीडियोस मिलेंगी आपको कि जैसे मतलब कम बजट में कैसे वो बनाए, प्लान बनाए, प्लान कैसे बनाते हैं, है ना, ट्रिप करेंगे तो प्लान कैसे बनाएं, कैसे बजट वाली चीज़ें छोड़ें, कैसे एक्सपेंसिव चीज़ें भी अपन करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं करेंगे, एक्सपेंसिव चीज़ें भी एक, क्योंकि एक्सपीरियंस है भाई, देखो एक्सपीरियंस तो लेना ही है हर चीज़ का, एक्सपेंसिव चीज़ें भी और जो बजट वाली चीज़ें हैं वो सब सब आपको देखने को मिलेगी मेरे ब्लॉग्स में। तो अभी सब्सक्राइब करो या फिर बाद में करना तो पड़ेगा ही सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक लाइक करो, जो भी वीडियो आए उसको लाइक करो आप, कमेंट करो बढ़िया, जैसा भी आपको लगे वो कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर तो उस पर देखेंगे थोड़ा और क्या क्रिएटिव कर सकते हैं, क्या क्रिएटिव कंटेंट आपको दे सकते हैं, फिर तो और भी ट्रेवल करेंगे उसकी भी वीडियो आएगी। बस बाय बाय, टेक केयर, और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।